दोस्तों, आज है फ्राइडे और हम लोग जा रहे हैं जामताड़ा। बिहार में पड़ता है जामताड़ा, झारखंड में पड़ता है। झारखंड में पड़ता है। अगर आज पढ़े लिखे होते ना तो नौबत नहीं आता पूछने का कि बिहार में पड़ते हैं या झारखंड में पड़ता है। वो क्या है ना, पढ़े लिखे बहुत है लेकिन लोकेशन क्या है ना हम नहीं जानते उतना। तो अभी हम जा रहे हैं जामताड़ा, झारखंड में ही है, उसके बाद जाना है बिहार। आई मिस्टेक, मतलब माई मिस्टेक। चलो छोटू बोलिए, क्या बोल रहे थे? अभी हम लोग धनबाद से जामताड़ा की ओर जा रहे हैं और बहुत अच्छा जर्नी हम लोग का हो रहा है। पहले पहले अंदर घुसिए। बीच में उतरे हुए हैं नाश्ता करने के लिए और इधर रोड के किनारे होटल है, तो जाते पहले नाश्ता कुछ करते हैं। लिट्टी खाने का बहुत मन कर रहा है कुछ दिन से, लेकिन लिट्टी मिल नहीं रहा। मतलब मिल रहा है लेकिन जहाँ मिल रहा है वहाँ पसंद नहीं आ रहा है और जहाँ पसंद आ रहा है वहाँ मिल नहीं रहा है। हम लोग उधर गांव एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ शायद लिट्टी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ इडली है, देखते हैं कुछ इडली खाते हैं। हमर जितवा सबसे भूखा है, जाकर वहाँ बैठ गया पहले। चलिए चलते हैं। अभी पीछे गाय माता हमारी, महंगा इडली 40 रुपये में दो गो, तो महंगा इडली खाएंगे हम लोग। मतलब क्या वो अमीर आदमी है तो ये सब ब्लॉग्स में नहीं बोलना था। तो चलिए, हम लोग को पसंद नहीं आया यहाँ का खान पान रहन सहन, तो हम लोग कहीं और रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो एक्चुअली महंगा कुछ नहीं था, 40 रुपये कुछ महंगा है यार इडली। तो चलता हूँ कुछ अच्छी जगह बैठ के खाऊंगा। केला आ गए हैं खाने इधर सारे लोग, क्योंकि तेल वाला खाने का मन नहीं कर रहा था। इधर इडली मिल नहीं रहा है जो हम लोग इडली खाएं, और कचौड़ी खाली मिल रहा है, तो कचौड़ी खाने का मन नहीं कर रहा। ये आरामदायक का मामला है, एकदम सीट को हम लोग ऐसे बिछा दिए हैं, देख सकते हैं आराम से पसर के सोए हुए। फिर से करे, इसका गंजी दिख रहा था, फिर से करते हैं। देखिए ये आरामदायक एकदम, दोनों सीट को हम लोग सुता दिए हैं और आगे ड्राइवर है वो। आप जैसे कहते हैं ना कि करण सिंह रंगीला कभी सिंगर नहीं बनेगा, वो बात की बात है। वो तो आप कह रहे हैं, वो आपकी सोच है तो आप ऐसा कह रहे हैं, हम बुरा नहीं मान रहे, ठीक है आपकी बात को ना। आप इसलिए 32 बार आप बोल रहे हैं हमको। नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे, हम बुरा इसके लिए भी नहीं मान रहे कि आप ये बात हम मेरा कहना ही है ना। भैया BNR होटल में एक दिन प्रोग्राम करने गए थे, एक दिन खूब मस्त मस्त चीज खा रहे थे समझे, तंदूरी रोटी कबाब उबाब फल्ला ढकना 19-20, पलाव चट चाट मसाला फल्ला ढकना 19-20 सब खा रहे थे, हेवी भी चीज। वही दिन खाए ना तो थोड़ा 2 मिनट के लिए हमको लगा साला मेरे से रहीस कोई नहीं है धरती में। 2 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हमको, जब रहीसी मर थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगा मन में, घर वा गए ना साला वही चीज का हम डिमांड करने लगे, मम्मी हमको लाओ तंदूरी रोटी लाओ, लाओ राइस राइस लाओ, पलाव राइस। आदमी को बोला जाता है कि जितना चादर हो उतना ही गोड़ फैलाना चाहिए। तो फिर अगला दिनों को ख्याल आया ना, हम ऐसा घमंड कहा आ रहा है यार मेरे में, इसीलिए अब हम क्या करेंगे ना, जब कहीं भी निकलेंगे तो हाफ पैंट और हाफ गंजी पहन के निकलेंगे, गमछी टांग के, ताकि पैर मेरा जमीन से जुड़ा रहे, मेरा में घमंड ना। देख सकते हैं आप चारों तरफ, अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं, आज हम भी नहाएंगे। ये लोग डेली नदी में नहाता है, हमको तैरने नहीं आता था तो हम नहीं नहाते थे। वो आज मैं भी नहाऊंगा क्योंकि यहाँ कम पानी है और चट्टान मस्त मस्त है, देख रहे हैं, लगता है बच्चा लोग स्लिप करता होगा। यहाँ वही एक डर है सांप से। कैसे गया था यार? अगर अगल बगल सांप नहीं रहा ना तो नहाने में काफी मजा आएगा आज। सांप मजाक नहीं कर, बक बक नहीं नहाएंगे, अब बैठ के नहाएंगे। सांप दिख गया, वो लोग कह रहा है कैसे जाए यार, कैसे गया था? जाते हैं, हम भी देख रहे इधर से रास्ता बनाते हैं, बना हुआ है मतलब खोजते हैं। कटीला रास्ता, एकदम ठंडा महसूस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है।
सांप नहीं ना है अगल बगल, सांप है भी है ना तो उसको पकड़ के जमतरा ले चलेंगे। नहीं बन पाया, मुंह के बल गिरा, उधर प्लास्टिक गिरा, मुंह के बल बेचारा गिर गया, उधर बहुत सारा जी। तो हम लोग नहाने हैं सारे लोग, करण गिर चुका है एक बार, डूबते थे, वीडियो स्टार्ट कर दी, बोलिए दोस्तों। अभी देखिए हम अंदर डूबने जा रहे हैं, कितना देर तक अंदर रहते थे, कितना देर तक रहे, वही वाला, वही वाला, नहीं 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 देने वाला नहीं 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 थक बड़ी करने लगता है यार, भूपाल थक रहे ऐसा है तो उधर कि जो विकेश शर्मा है उनको हम लोग बोल दिए कि नदी तालाब में रहता है भूत, तो डर के मारे पानी में डूबे हैं, डूबने से पहले बजा दिए हनुमान चालीसा, तो सुन सकते हैं क्योंकि हम बहुत डरते हैं भूत से और सांप से, तो इसलिए हनुमान चालीसा बजा दिए कि भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा आपको, ऐसा आप देखने मिलेगा दोस्तों। क्या हुआ, हम नहा रहे थे, अचानक कुआ के पीछे से मतलब मेरा पैर को ऐसे नकोचा तो हम बहुत डर गए, ये ब्लॉग वालों से तो मैं परेशान हो गया हूँ। तो एकदम ऐसा चुड़ैल जैसा किया था, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो लड़का खाली फुल्लोगो बनाता है, मतलब इतना डर गए थे ना हम, छूने भी दिखा देगा। जानते पत्थर एको मेरा पैर में घुस गया था, बहुत दर्द किया, अभी निकाले भाई वहां साफ पानी। तो दोस्तों हम नहा चुके हैं और हमको सच में लग रहा पूरा एकदम शरीर भारी, बहुत तैराकी किए हैं आज और ये लोग भी नहा ही लिया है, तो जा रहे अब कपड़ा तैयार पहनते हैं, बहुत माथा सर दर्द करने लगा है पूरा, नहाने से मन हल्का लगता है लेकिन क्या हुआ कि हम तैरना सीख रहे थे, पूरा एकदम सर दर्द करने लगा सब। तो हम लोग यहाँ से नहा चुके हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग सभी लोग, और बाकी उधर रहे वो आगे आगे भाग रहे, तो काफी मजा आया हम लोगों को नहाने में, काफी स्मार्ट हम दिख रहे हैं। आपका तरफ ये कुछ कहना चाहते हैं, ये जो नदी है ना बहुत खतरनाक है, ये यहाँ भूत भी रहती है, भूत भी रहती है। मेरे को पूरा धर लिया, हमको ऐसा लगा बहुत भारी शरीर लग रहा है मेरा, समझे। और नहाने में जो मजा आया ना वो अमरजीत बाबू से पूछिए, नहीं सर लुंगी वाले भैया, अरे बताइए बताइए बताइए, बहुत मजा आया। इतना कहने के लिए ये अपने गमछे को हटाए थे, रुकिए बहुत थक गए यार, बहुत थक गए, चलिए यार। मजा आ रहा है, कितना मस्त लोकेशन है, फोटो मजा गया। यहाँ रुक के बीच रास्ता में रुक गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, राजा राजा के जिला को मिला।
जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग काफ़ी अच्छा लोकेशन पे आए हुए हैं और यहाँ का नज़ारा जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, सन्नाटा और कुछ भी नहीं है। सॉरी, मुझे तबीयत मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं टोपी कैप पहना हुआ हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। बट हमारा टीम देख रहे हैं, मुझे जो बोल रहा है क्या बोल रहा है नहीं पता, बात सुन लीजिए। आइए आइए, Jason, 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 J
लोग पहुंच चुके हैं, कैमरा पहले साफ करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं देवघर। मेरे पीछे से लीजिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं देवघर और देख लीजिए मेरा बैटरी कम है इसलिए अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग थोड़ा होटल यहाँ देखते हैं, कल घूमने जाएंगे देवघर। शकल नहीं दिखा है। ओह ये सुलभ शौचालय जा रहा है तो बोलता है मेरा चेहरा मत दिखाइएगा। अब सबको लगता है ये इंसान है, हम भी ये भी दुनिया इंसान है तो सबको सुलभ शौचालय जाना पड़ता है। दोस्तों ये टोपी नया खरीदे हैं, कैसा लग रहा है पहले बताइए। और देखिए स्टिकर अभी नहीं कबा रहे हैं, लोग जानेंगे कैसे कि नया है। अभी हम लोग मकई खाने आए हैं, यहाँ मकई का स्टॉल लगा हुआ है तो अभी मकई खाते हैं और फिर नौलखा मंदिर तरफ जाते हैं। उधर आधे लोग उधर चले गए, मकई खाते हैं ना। नंबर सॉरी दोस्तों, मैं अपने दोस्तों को खाया। हाँ, इन्हें बताया कि ये मकई होता टेस्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि खाली बहुत ज्यादा खींचा है, खींचा लेकिन अच्छा लगता है, मीठा नहीं, दाना नहीं एकदम नहीं निकल रहा है। मंदिर के पास चला गया। हुआ क्या ना कि मैं मकई खाने के लिए वीडियो भी बनाने लगा कि मकई खाऊंगा, तो खा लिया पहले और फिर बताया नहीं अच्छा नहीं है तो मकई खाना कैंसिल। हम लोग जा रहे हैं अभी नौलखा मंदिर तरफ, अभी पसंद आ गया तो ले लिया। अब चले हम लोग जूता लेने, वो भी कैंपस का। ये लोग हंस दिया तो अभी चलते हैं जूता लेते हैं। जूता का फीता खुल गया पहला नंबर। ये है दुकान, जूता दिखाइएगा। बोल रहे थे जैसे मेरा कोई चप्पल या जूता तोड़ दिया तो वो देगा ना हमको खरीद के, देगा ना कंफर्म। तुम ही थोड़ा तैयार करो, भूल गया था का सही में याद नहीं था, मतलब नहीं दे सकते सच में याद नहीं था। एक बार चप्पल तोड़ दिया था, हमने पूछा ना अगर कोई दोस्त या कोई भी चप्पल अगर जूता तोड़ देता है तो खरीद के देता है ना, इसी के लिए बोल रहे थे इसको पता नहीं था, बोल रहा था हाँ खरीदवाइए। सच में नहीं खरीदा हमारे लिए भैया इतना जूता लेकर आया है, पहले इसको हम ट्राई करते हैं। लेकिन वो थोड़ा दूसरा था ना, यही था। बोलो माननीय हमारे बड़े भैया जी एकदम शानदार जूता पसंद करते हुए, तो ये जूता हम पसंद करते हुए प्रतिक्रिया भूकंप और भूकंप के लिए कर लिए इस सब में एक काम उसी का ब्लैक कलर लाए। एक सेकंड अरे ये लग रहा है दोनों में अच्छा कौन लग रहा है अब देख लीजिए, इसलिए दो कलर ला दिए आपका। दोनों में एक जामनी कलर हो गया ये। हमारे भैया जी दोनों कलर चूज करते हुए वो देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कलर कौन सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भैया को ज्यादातर ब्लैक पे नजर जा रहा है। थोड़ा कैमरा उधर दिखाइए तो, उधर उनके तरफ खाली कैमरा घुमाई ना, उनको देख के लग रहा है पक्का वो यूट्यूबर है। भैया हमारे ब्लैक कलर पसंद करते हुए यहाँ पे फाइनल कर दिए हैं और डाल रहे हैं अपना पैर में। ये व्लॉगिंग का कमेंट्री ज्यादा कर रहा है, कमेंट्री ज्यादा कर रहा है, कमेंट्री जैसी देखिए। तो आप पेन में एक नंबर पेन में लेकर ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ब्लू है उसका साथ ग्रेफुल है ना, तो ऊपर तो काफी मतलब खोजने के बाद हमको लास्ट में जूता पसंद आया। मतलब पसंद तो अच्छे तो सब है लेकिन जो हमको एक होता है ना अपना चॉइस होना चाहिए, अच्छा है ना। एक और देख लेते भैया, थोड़ा कैमरा इधर रही है, एक और देख लेते हैं उसी का छोटा साइज। अच्छा इसी का छोटा साइज है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसी को लेते हैं। किधर गया वो? अरे मेरा जूता खोल, ये ब्लैक खोल दिया ये है ना, तो मेरा जूता थोड़ा सा अमर पहन के गंदा कर दिया, सच में गंदा कर दिया यार। वो तुम ऐसे खोला था क्या? नहीं हाँ उसे लगाया। ए लालू का पसंद कीजिए, लालू व्यक्ति को हम लेते हैं, क्या रेट है? 2200 रुपये। रेट तो पूछे ही नहीं थे, कैंपेट दिख रहा होगा अभी, रेट तो हम पूछे ही नहीं था अभी पूछे। क्या इसका डिस्काउंट करके? डिस्काउंट नहीं, फिक्स रेट। अरे मैया लिबर्टी में इस सब में के रेगुलर कस्ट रनिंग आर्टिकल है ब्रांड 2200।
मोजा भी ले लेते हैं, ब्लैक में दिखे ना, गंदा ना हो। ये हाफ 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 मोजा, तो इसको लगा के 2300 हो चुका है और हम ले चुके हैं लास्ट, फाइनली यही हुआ। देखिए थोड़ा सिनेमेटिक लुक में दिखा दो तो। और पैसा भैया, बाकी पैसा, अरे पब्लिक से लेकर के 1000 का जूता है, बाकी पैसा भैया, मतलब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, बिल दिखाएंगे आप लोगों को। मजाक बना दिया, क्या मजाक कर रहे हैं। हाँ सर, हम मिला के आपका हुआ 37। दोस्तों इन लोग भले मजाक कर रहा था लेकिन यहाँ देख लीजिए आपको दिख गया होगा। चलिए करणवा सेमी भुला गया, चोरी हो गया, बुलाया कोई नहीं, ले गए बोल ले क्या, वही मंदिर में बोले थे बाहर कोई नहीं, तुम भी चल गया था, ये तो गए थे, हमको हम भी गए थे जी, सब गए, नहीं बोले क्या, मतलब जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। हम तो बोले दोस्तों एक बैड न्यूज है मेरे लिए, मतलब अभी हम बोलबम से आए, वो ब्लॉग्स आप लोग देख लिए होंगे, तो हुआ क्या, जूता ही पहन के गया था मेरा नया वाला, भुला दिया, कोई दिक्कत नहीं, भाई है भुला भी दिया तो ठीक ना, अंदर से रो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों हम अभी जल्दी में है, अभी तुरंत निकलना है हम लोग को, ठीक बाद में बातें करेंगे, बाय बाय। क्या पैसा कहाँ लेता, वहाँ को लेते खोला था लेकिन पैसा लेता चोरी तो दोस्तों मेरा गुड न्यूज हो गया, मेरा जूता मिल गया, ये लोग मजाक कर रहा था, मेरा साली बन गया था, ये लोग थोड़ा देर के लिए जूता चुरा लिया था मेरा से साली, और काफी हमको मतलब देखे थे जूता मान लीजिए वो सब हटाइए, वो सब का हम इमोशनल बात बोले, बस ये बात था ना कि किसी से बुलाए तो जूता ना है, कोई तो जिंदगी नहीं है, लेकिन एक होता है ना खुशी था जो रात को आप लोग देखे थे, तो वो चीज़ था, तो अभी मिल गया जूता, आई है फिर वही रात वाला खुशी आ गया, नहीं हाँ उससे ज़्यादा आ गया हाँ ज़्यादा आ गया, मेरा जूता मिल गया। चोर ये है, इधर देखिए चोर को पहचानिए, मृणाल है कि मृणाल, मृणाल मेरा जूता चोरी कर लिया, चोर चोरी बोल, केतारी का जूस 20 रुपया है, तो ये बोला मेरे पास भैया 20 रुपया नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, तो एक काम करते थोड़ा सा हम चला देते हैं, 10 रुपया कम लीजिए, तो भैया बोले 10 रुपया कम नहीं लेंगे, 5 रुपया कम लेंगे, तो ये खुद से चला रहा है ताकि 5 रुपया कम लेंगे। गरीबी में लोग क्या क्या करते हैं, इस तरह से गरीब आदमी इस तरह से मिल जाते हैं रोड में, देख सकते हैं आप गरीबी, इसकी गरीबी मेरी नहीं, मेरी तो ब्रांड है अभी, इधर देखिए जूता, हम तो अभी ब्रांड है, गरीब वो है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यार वो क्या है। लोग भी आ चुके हैं सारे लोग, देख लीजिए ऐसा भैया 6 गिलास कर दीजिए तो हमारे कृष्णा भैया भी पिएंगे। अभी हम लोग बिहार में हैं, वाह नमक डाला जा रहा, चाय का केतली में जूस, वाह वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, वहां से ना भैया उसका लवनिया वाला से ताड़ी ज्यादा पीता है का तुम, लवनी लवनी बोल रहा, हाँ लवनी याद आ गया, ताड़ी आ गया, वो मुहवा जो नलिया है उसका आ गया है पीने के लिए, पी रहे हम बताए भैया, ब्लॉगर लोग से परेशान हो गए, सही बता रहे हैं का है, बस यही तो हरकत, अरे ये सब यादगार है, ब्लॉगर वो होता है ना जो हर एक पल को संजो के रखता है, एक समय जब तुम रहोगे नहीं तुम्हारा बाल बच्चा लोग देखेगा, पोता लोग देखेगा, मेरा बाप ऐसे ऐसे पीता था लस्सी, ऐसे पीता था, इसका तो बाल बच्चा जान रहे हैं कि आप ही उसका दोस्त है नहीं, हाँ हाँ अपना अपना को भूल जा रहा है, बाल बच्चा याद रखे कहे नहीं रखेगा,
चलिए इसी बात है, जुसवा गिरा ही इसमें जूठा नहीं देते ना। ये लड़का का सर्दी हो गया, लड़का का सर्दी खांसी हो रहा है लेकिन मान नहीं रहा तो ये अमर बोला ना मत पीने ठीक, तो वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तो सर्दी खांसी में नहीं पीना चाहिए सच्चाई आप लोग भी जानते होंगे। तो ये दुकान वाला से पूछे ना कि पीना चाहिए, तो वो भैया बोलते हैं हाँ पीना चाहिए, उनको तो बिजनेस चलाना ना, तो बोलवे करेंगे आराम है आराम से भैया। हम तो भूल ही गए थे दारू बंद है इसलिए वैसा बोला हूँ। तारीख के लिए ज्ञान की क्या बताएं आपको, दुनिया में तो सब चल ही रहा भागम भागम दौड़ी दबड़ा। कुछ तो हम लोग मंडार पर्वत जाने वाले थे, तो हम लोग मंडार पर्वत पार कर दिए 10-15 किलोमीटर, पूरा दम बैठ के थक गए यार, खड़ा नहीं हो पा रहा, कैमरा साफ करते हैं धूल दिख रहा है, पूरा चक्कर आ रहा है, 20 किलोमीटर आगे बढ़ गए, तो अब हम लोग नहीं जा पाएंगे, अब चलते इधर ही एंजॉय करते थोड़ा बहुत सब यार लोग, थक गए हैं यार। हम जानते हैं ये वीडियो मेरा लंबा हो चुका है, ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप लोग भी देखिए इंजॉय कीजिए और क्या। ये मैं जूता खरीदा था, अभी तक चमक रहा है, 2200 का जूता है भैया, है गंदा नहीं करो, अभी तक लाइटिंग है देख रहे हैं, जब रोड में चलता हूँ ना इससे बहुत झकास लगता है। जैसे घर जा रहा था तो रास्ते में, मतलब रास्ते में घर जा रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो चुका था, और मतलब दूसरा का, तो फॉर्चुनर गाड़ी आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखाया, और मतलब काफ़ी देर था पूरी तरह से, मतलब वो गाड़ी डैमेज हो चुका था, तो मतलब यूँ ही मतलब जा रहा था तो सोचा इसका बारे में आप लोगों को बता दे। कभी भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो या फोर व्हीलर हो, तो आप लोग मतलब ना पीकर ड्राइविंग कभी ना करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, स्पीड कभी ना चलाएं, रात हो या दिन हो कभी गाड़ी को स्पीड ना चलाएं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे, खुद बचिएगा तो आपका परिवार बचेगा, और आपके वजह से सामने वाला कभी नुकसान नहीं होगा, इसलिए अपना इस ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। तो यही बताना था, एक छोटा सा मैसेज था आप लोग के लिए, अभी देखा आप लोगों ने किस तरह से, क्योंकि आजकल के लोग नहीं समझते हैं कि रोड में गाड़ी स्पीड चला दिए तो अरे हम तो है ये मेरा जीवन जाएगा, लेकिन आपके जाने के बाद परिवार को क्या होगा वो भी देखिए आप। ये तो बात विकेश भैया सही ही बोल रहे हैं, लेकिन करण सिंह रंगीला के तौर पर भी एक बात हम बोलना चाह रहे हैं कि आज एक से एक फिल्म चल रही है, साउथ मूवी में एक से एक एक्शन, बॉलीवुड में एक से एक एक्शन, भोजपुरी में भी एक से एक एक्शन, तो वो सब के माध्यम से। हेलो, टोल टैक्स पार किया? एक सेकंड रुक, देखिए एक से एक फिल्म चल रही है, उस माध्यम से सब दर्शक तो देखते ही हैं, सबका प्यार आशीर्वाद है उनके उनपे फिल्म के माध्यम, और कहेंगे कि फिल्म का देखा देखी लोग कॉपी ना करें। हाँ, बहुत बड़ा बात बोला ये, लम्हा डालिए ना तो बोलेगा भैया आप लोग पहले गाना बजा के ड्राइविंग मत कीजिए, गाना बंद करें, दो मिनट सुन लीजिए इसका भी, बड़ा बात सुन लीजिए, बहुत बड़ा बात बोल दिया यार। ताकि देखिए फिल्म में जो दिखाया जाता है वो पार्ट टू पार्ट दिखाया जाता है, उसको रोक रोक कर दिखाया जाता है, पॉज कर करके शूटिंग बनता है। हमेशा याद रखिए वो एक्टर नहीं करता, कोई भी हीरो वो खुद एक्शन नहीं करता, उसके लिए एक एक्सपर्ट का जरूरत होता है, वही एक्शन है दोनों भाई को, क्योंकि दोनों बेचारा को ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये काफी अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा, एक बार यही आदमी ओढ़ा चुका था, लेकिन ब्लॉग्स बनाने के लिए हम दोबारा ओढ़वा रहे हैं। कर ईमानदार ब्लॉगर है, तो ये करण को दिखाएंगे कल वीडियो कि देखिए आपके लिए इतना किया, हो गया भैया, कुत्ता भी उधर आ गया। हाँ ये लोग जीप चाटेगा रात को, बहुत अच्छा लगा के कलाकार, मतलब यहाँ कलाकार सोया हुआ है, दिखा दो, ये रहा कलाकार लोगों का हालत, पेट्रोल पंप पे सो रहे दोनों, तो हम लोग स्ट्रगल ऐसी करते हैं, देख लीजिए इसी को स्ट्रगल कहते हैं, पेट्रोल पंप में सोया है, देख रहे हैं हम लोग प्रोग्राम करने आते हैं, हम लोग को होटल नहीं मिला, मिल जाता इतना रात को,
बारिश भी बहुत जोर हो रहा है, समझ सकते हैं आप कैसे हम लोग सो रहे हैं। आज हम लोग को इस होटल नहीं मिला, अब तो लग रहा है पेट्रोल पंप में ही सोना पड़ेगा। देख लीजिए, तो ये है रहा पेट्रोल पंप और उधर हम लोग बना रहे सोने का जगह। कलाकार लोग का यही जिंदगी है। हम अरे उधर है क्योंकि ना हम लोग ना, हमको याद है हम डेकोरेशन का काम करते थे, तो हम स्टेज का नीचे सोए हैं और हम स्टेज का नीचे सोए और आज स्टेज के ऊपर रहते हैं, तो इसी तरह आज पेट्रोल पंप में सो रहे हैं। हो सके कल पेट्रोल पंप का मालिक हो क्या, तो जाते चाय वो पीते, थोड़ा मन हल्का लगेगा, पूरा दम हेती लग रहा है। तो किस तरह से आर्टिस्ट का जिंदगी होता है, हर समय स्मार्ट दिखना जरूरी थोड़ी ना। पर लुंगी है तो क्या खराब चीज है लुंगी? हाँ चलो ठीक है, अरे लोग जानेंगे कैसे गरीब है, बाल खराब करो, गरीब दिखना चाहिए। गरीब नहीं दिखना। अच्छा ठीक है, कैमरा सब करो, हम गरीब हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हम लोग किस तरह ये पेट्रोल पंप में हम लोग किस तरह से सो रहे हैं, ये होता है आर्टिस्ट का जिंदगी। देख सकते हैं दोस्तों साइकिल का मजा उठा रहे हैं, क्योंकि साइकिल चलाए बहुत दिन हो गया, और साइकिल हम इसलिए चला रहे हैं, मेन रीजन बताते हैं आप लोगों को, मेरा जूता है सो नया है, तो साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और आ रहा है। तो थोड़ा एक राउंड लगाते हैं और अभी हम साइकिल से ही मार्केट जाएंगे कुछ कुछ खाने पीने, क्योंकि थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो फिर क्या मिलता है उधर, तो चलते हैं दोस्तों।